हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। हर महीने में दो प्रदोष व्रत होते हैं। सितंबर का पहला प्रदोष व्रत बीत चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि सितंबर का ही दूसरा प्रदोष व्रत कब है और कब ये रखा जाएगा और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या है इसके महत्व। तो आखिर कब है दूसरा प्रदोष व्रत? वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 4:47 पर होगी। वहीं इसका समापन 30 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगा। इसके चलते प्रदोष व्रत 29 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। बताते चले कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। रवि प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त शाम 6:08 से लेकर रात 8:33 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। रवि प्रदोष व्रत का पारण 30 सितंबर को सुबह 6:13 के बाद किया जा सकता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन जो व्रत रखता है उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में सुख शांति बनी रहती है और लंबी आयु होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी रवि प्रदोष व्रत रखना लाभदायक माना जाता है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसके लिए आप पूजा करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े धारण कर लें। इसके बाद भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें जैसे बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद दीपक धूप जलाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करें। शिव जी को फलों और मिठाइयों का भोग लगाएं और आरती कर पूजा संपन्न करें। फिलहाल आप प्रदोष व्रत में कैसे पूजा करें आप हमें कमेंट करके बताएं। तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट स्पिरिचुअल।